आईपीएल देखना तो हम सबको पसंद है, लेकिन आईपीएल और विवादों का एक पुराना रिश्ता है। आईपीएल अपने मशहूर होने के साथ साथ हमेशा विवादों से घिरा रहता है। आज हम लोग बात करेंगे आईपीएल से जुड़े ऐसे तीन सबसे बड़े विवादों के बारे में, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक कर क्रिकेट से जुड़े अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर तीन, इसमें हरभजन सिंह और नीता अंबानी के बीच में सबसे ज्यादा विवादित घटना हुई, ये गले लगाना था। उस समय हरभजन सिंह मुंबई इंडियंस के कप्तान थे। मैच जीतने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि मुंबई इंडियंस की मालकिन नीता अंबानी ग्राउंड पर थीं और मैच जीतने की खुशी में मुंबई की टीम काफी जोश में थी। इस बीच हरभजन सिंह ने खुशी में नीता अंबानी को जोर से गले लगाकर उठा लिया। यहां तक तो सब ठीक था, लेकिन इस पूरे वाकये के दौरान हरभजन सिंह का हाथ नीता अंबानी के बहुत ही गलत जगह पर था। ये बात कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और इस पर काफी विवाद भी चला। अब ये काम हरभजन सिंह ने जानबूझकर किया था या उनसे गलती से हुआ था, ये तो वही जानते होंगे। नंबर दो, ये वाकया आरसीबी के एक मैच का है। इसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण आरसीबी के मालिक विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या हैं। दरअसल इसमें मैच की खुशी में सिद्धार्थ माल्या दीपिका पादुकोण के साथ बहुत ही पैशनेटली किस करते हुए नजर आए। इस पूरे वाकये में सिद्धार्थ के पापा विजय माल्या अभी बगल में थे, लेकिन आप लोग तो जानते ही हैं कि वो खुद ही कितने बड़े अय्याश हैं। लेकिन ये पूरा मामला कैमरे में कैद हो गया। आपको बता दें कि दीपिका पादुकोण और सिद्धार्थ माल्या एक समय पर रिलेशन में थे, लेकिन बाद में 2012 में उन्होंने ब्रेकअप कर लिया। इस बारे में जब दीपिका पादुकोण से पूछा गया तो उन्होंने ये कहकर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया कि वो मेरा निजी मामला है और मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहूंगी। नंबर एक भी सिद्धार्थ माल्या के बारे में ही है और आपको बता दें कि ये सबसे ज्यादा चर्चित होने वाला विवाद था। इसमें सिद्धार्थ माल्या और बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ हैं। आपको तो पता ही होगा कि 2010 तक कैटरीना कैफ आरसीबी की ब्रांड एम्बेसडर थी और वो आरसीबी को सपोर्ट करने के लिए अक्सर ग्राउंड पर आया करती थी। और इसी बीच सिद्धार्थ माल्या की कैटरीना के साथ अक्सर फोटोज वायरल हुआ करती थी, लेकिन इन दोनों की साथ में एक फोटो ज्यादा ही विवादित हो गयी। इसमें मैच के बाद एक पार्टी के दौरान सिद्धार्थ कैटरीना को गले लगाने जा रहे थे, लेकिन इसी बीच उनका हाथ कैटरीना के टॉप के अंदर देखा गया। ये फोटो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई। अब इसकी सच्चाई तो सिद्धार्थ माल्या और कैटरीना कैफ ही बता सकते हैं। तो आपको इन वाक्यों में से सबसे विवादित कौन सा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।